साहित्य जागृति सम्मान समारोह साहित्य आज तक के इस समारोह में जिन्होंने अपनी लेखनी से एक नई मीडिया के अंदर दिशा दी, इस ग्रुप के चेयरमैन श्री अरुण पुरी जी, इस ग्रुप की वाइस चेयरमैन सुश्री कलीपुरी जी जो आज भी हर कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के साथ नए कार्यक्रमों की योजना बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए लगातार प्रयास करती रहती है, और न्यू डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद जी और जो संचालन कर रही श्वेता जी, और उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने अपने अपने कलम से वाणी से साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ कला में संस्कृति के अंदर और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर समाज जीवन के दर्शन समाज के विचारों की अभिव्यक्ति करने का कार्य किया है। मैं उन सब पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से इंडिया टुडे को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य कला संस्कृति फिल्म जगत के लोग और उसके साथ साथ आने वाले भविष्य के नौजवान जो साहित्य के साथ जुड़ सकें और जिनकी लेखनी कलम को पुरस्कार करकर समाज को एक दर्शन देने का काम किया है, उसके लिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप को पूर्व को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आवश्यकता है कि हमारे जीवंत हमेशा रही, साहित्य हमारी विरासत है, साहित्य हमारा वर्तमान है, साहित्य हमारा भविष्य है, साहित्य समाज का दर्पण है। और जब साहित्य की बात करता हूं उसमें सब कला संस्कृति लेखनी सब आ जाते हैं, तो मेरा मानना है कि देश और दुनिया के अंदर भारत की साहित्य कला संस्कृति की एक वैभवशाली परंपरा रही है, एक समृद्ध हमारा साहित्य रहा है, और इस समृद्ध साहित्य के माध्यम से हमने समाज के उन लोगों का जो अभाव में है, वंचित हैं, गरीब हैं, आप कितने साहित्यों का वर्णन करूं। जब लेखक अपनी कलम से लिखता है तो उस समय की उन घटनाओं को लिखता है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी, महसूस की, और समाज को बताने की कोशिश की। और इस साहित्यकार कलाकारों ने इस भारत में नहीं दुनिया के अंदर जो कुछ भी समाज में परिवर्तन लाए उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम जब आजादी का आंदोलन देखते हैं भारत का, तो उस आजादी के आंदोलन में किस तरीके से साहित्य कला संस्कृति ने, लेखकों ने, कवि ने अपनी कलम से अपनी आवाज से देश के लोगों को क्रांति लाने के लिए, देश के लोगों में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक नैतिक साहस और नैतिक बल देने का काम किया। और उन्होंने उस समय भी
उस समय की परिस्थितियों को लिखा, बोला, भाषा में लिखा, अलग अलग भाषाओं में लिखा, अलग अलग बोलियों में लिखा। और यह हमारी ताकत है कि दुनिया के अंदर भारत जैसा विविधता वाला देश, जहां अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, और सब भाषाएं बोलियां अपने आप में समृद्ध है, और सबको अपनी अपनी बोली भाषा पर गर्व है, यह हमारे साहित्य की ताकत है। और इसी साहित्य की ताकत ने दुनिया के अंदर भी जो कुछ भी बदलाव, समय समय से सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, वैचारिक बदलाव हो, उस वैचारिक बदलाव में साहित्य, कला, संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यकता है कि हम देश के नौजवानों को हमारे वैभवशाली साहित्य समृद्ध परंपराओं के साथ जोड़ें, और इस परंपरा को इंडिया टुडे ग्रुप ने आगे बढ़ाया है। मैं देख रहा था किस तरीके से इन नौजवानों में उत्साह था, उमंग थी, जोश थी, और किस तरीके से साहित्यकारों के प्रति उनका आकर्षण था। आज मेरा मानना है कि मन मस्तिष्क से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, जुनून और कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तो साहित्य और किताब देते हैं। अगर व्यक्ति जीवन के अंदर अपने साथ साहित्य किताबों को रखकर, तो वह अपने जीवन के अंदर कभी भी आशंकित होने पर, कभी भी उसके जीवन में अवसाद आने पर, कोई भी चुनौती आने के पर, वह उन किताबों को पढ़े, वह हमारी समृद्ध वैभवशाली क्रांतिकारियों से लेकर किस तरीके से कितनी चुनौतियों, मुश्किल कठिनाइयों से भारत में बदलाव हुआ उसको पढ़ें, वर्तमान को देखें, भविष्य को देखें, तो मुझे लगता है उसमें नई आत्मविश्वास पैदा होगा, नया जुनून पैदा होगा। इसलिए साहित्य, कला, संस्कृति का एक देश में नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योगदान रहा है। और इस साहित्य, कला, समृद्धि को जितना हम जन जन तक पहुंचाएंगे, मुझे खुशी है कि अलग अलग समाचार पत्रों के अलग अलग, चाहे हमारे समाचार पत्र हो, चाहे वीडियो चैनल हो, सोशल मीडिया हो, सबने अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। लेकिन हमें उन अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते समय, समाज की दिशा को बताने के समय, सकारात्मक पहलू के साथ साथ हम किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उस रास्ते को बताने की आवश्यकता भी है। और जब मैं आज भी पुराने साहित्यों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उनको आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखता हूं, तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक लगते हैं। ऐसा लगता है, कवि के दोहों को पढ़ो तो लगता है कि आज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ो तो आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, रामायण को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, हम गीता को पढ़ें, कितने सारे हमारे साहित्य हैं जिनसे आज भी हमें लगता है कि अभी अभी भगवान राम के जीवन दर्शन को देखें, भगवान जवान राम के दर्शन को देखने के बाद में लगता है एक मनुष्य को आदर्श मनुष्य कैसे होना चाहिए, जब भगवत गीता को हम पढ़ते हैं तो कर्मशील कैसे होना चाहिए। ऐसे हर साहित्य हर नौजवानों को प्रेरणा देता है, दिशा देता है। और मैं उन नया लेखकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी साहित्य समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने का काम किया। आज समाज में आवश्यकता है कि हम साहित्य, कला, संस्कृति की जीवंत परंपराओं को समृद्ध करने का काम करें, और वर्तमान घटनाओं के साथ साथ भविष्य में हो रही परिवर्तन की दिशा को भी तय करने के लिए अपनी कलम से लिखें। और मेरा मानना है कि भारत में हमेशा हम हमारी वैभवशाली परंपरा परपाटियों को मानते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं, और भविष्य में वाली घटनाओं पर भी लिखते हैं। यही हमारे साहित्य की वैभवशाली परंपरा है। और इसीलिए मैं पुनः आज चेयरमैन साहब अरुण पुरी जी को, सुप्री कलीपुरी जी को, पूरे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहित्य आज तक से देश के नौजवानों को जोड़ने का काम किया है। बड़ी संख्या में मैं यहाँ पर नौजवानों को देख रहा हूँ, और नौजवानों का जितना साहित्य, कला, संस्कृति से नज़दीकी होगी, वो उतनी
भारत की वैभवशाली परंपराओं परपाटियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, नए आत्मविश्वास के साथ नए बदलते भारत में अपना सहयोग देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।